the things which should be taken in our mind that our skills should be developed, hard skills and soft skills. दो चीज़ें हैं. हार्ड स्किल्स क्या हुई? आपकी जो स्किल्स हैं. देखिए, आपका सब्जेक्ट नॉलेज एक अलग चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, वो ज़रूरी है. प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से ले, देखिए ये बॉटल आई, ये पीने के लिए आई है, अभी पीऊँगा अभी इसको, लेकिन आप देखिए, ठीक है, इसका कुछ कॉस्ट होगा, इसमें लिखा होगा कॉस्ट 7 रुपीज़. 10 काट के 7 लिखा कि 10 रुपये की है और 7 रुपये की आप इसको, आपको ये मिलेगी. एडवर्टीजमेंट देखा है कभी? कैसा क्या होता है, कितनी देर का होता है एडवर्टीजमेंट, कितनी देर का होता है? 10-20 सेकंड. डर के आगे देखिए, है ना, सस्ता नहीं क्या? सबसे अच्छा कौन सी सीमेंट है? क्यों क्यों बोल रहे हैं बांगर सीमेंट बेटा? क्योंकि उसके पीछे माइंड लगा हुआ है, उस सेंटेंस को बोलने से पहले जो है प्रॉपरली उस पर रिसर्च किया गया है, और वो दिन भर में 10 बार आपके सामने से गुजरता है, ठीक है. जैसे हम लोगों के समय में ठंडा मतलब कोका कोला होता था, ठीक है. चौंक गए, क्या है? टाइड है, देखो बोल दिया, है ना. व्हाट इज दिस? दिस इज एडवर्टीजमेंट. इन द सेम वे यू ऑल्सो हैव टू एडवर्टाइज योर सेल्फ. ऐसे बेटा कोई नौकरी नहीं देगा. हजारों लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक, और कहीं 5,000, 8,000, 10,000 जेब खर्च चलाने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइफ चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इससे काम नहीं चलने वाला अनटिल यू डेवलप योर स्किल. और जब तक अपनी पर्सनालिटी नहीं डेवलप करेंगे, स्किल को नहीं डेवलप करेंगे, प्रेजेंट नहीं करेंगे, मौका बार बार नहीं आएगा. आज की डेट में अगर आप एक साल में, एक महीने में 10,000-15,000 को के बारे में सोच रहे हैं, तो साल भर में कितना होता है? हम MLM से नहीं आए कि आपको बताएं कि आपका, आप ये ले लीजिए तो ये आ जाएगा, वो आए तो वो ले लीजिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सपने की बात नहीं है. अगर हम स्किल डेवलप करके नहीं आएंगे, अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमारा जो इवेल्युएशन होगा वो कैसे होगा भाई? इवेल्युएशन हीरे का भी होता है, सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, ठीक है, और पत्थर का भी होता है, हर चीज़ का होता है, पत्थर में जेम्स भी होते हैं. तो डिपेंड करता है कि हम स्किल्स को किस तरह से डेवलप करें अपनी, ठीक है. अगर हम स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे तो हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे. प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अपने आप को प्रेजेंट करना, और विद प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंट करना, एक्सप्रेशन के साथ प्रेजेंट करना. रामायण सुनी है, सुंदरकांड होता है, सुनते हैं, कवियों की बात सुनी है आपने, वो कर बोलते रहते हैं, लेकिन कोई कोई कवि, जैसे आपने कुमार विश्वास को सुना होगा, वो गाना सुनते हैं ना, कौन सा गाना है, कोई दीवाना कहता है, सुना है ना, क्या उसमें है, क्या चीज़ें हैं? शब्द, कहने का लहजा, प्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है. कपिल शर्मा शो देखते हैं, व्हाट इज़ दैट? हम नहीं ऑथेंटिकेट करते किसी शो को, हम नहीं बोलते किसी चीज़ को, या आप और लोगों को सुनते हैं, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती? प्रेजेंटेशन स्किल होती है कि वो टेलीविज़न पर बैठते हैं और लाखों लोग उनको सुनने के लिए टेलीविज़न को ऑन करते हैं, उसी बीच में जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको आप देखते हैं, और उससे उसका जो है उस चैनल को पैसा मिलता है, ठीक. बात सपने की नहीं है, बात समय की है कि आप अपनी स्किल को किस बेसिस पर कैसे डेवलप करते हैं, क्या टाइमली अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो व्यक्तित्व विकास में पहले हमको ये देखना है कि हमारा व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, हम इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं कि एम्बिवर्ट हैं, ठीक. पर्सनालिटी में ही ये आता है, जैसे एक टर्म आया स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, बॉडी लैंग्वेज,
ठीक, बॉडी लैंग्वेज को हमें इम्प्रूव करना है और अपने शब्दों से बॉडी लैंग्वेज को मैच कराना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।